चलिए कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे कंपनीज अभी भी बचा है, तो सबसे पहले हम नीलकमल की बात करते हैं, जो ये प्लास्टिक के सारे फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। आपने देखा होगा नीलकमल का चेयर, टेबल एंड एवरीथिंग। तो ये जो कंपनी है, इसका सेल्स में उतना कुछ ग्रोथ नहीं है, सिर्फ 5-6% का ग्रोथ है। इनका वॉल्यूम्स भी सिंगल डिजिट से ग्रो किया। नीलकमल बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं कि लाइक आज वो पूरे होम डेकोर में जाए या मैट्रेस वैट्रेस के सेगमेंट में जा रहे हैं, लेकिन जो इनका मेन जो बिजनेस है, राइट, वो जो प्लास्टिक वाला फर्नीचर वाला जो बिजनेस है, उसमें ज्यादा कुछ ग्रोथ नहीं आ रहा है। सो यही वाला है बात। लेकिन नीलकमल का बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही, मतलब आई थिंक दे आर इन अराउंड 1600 के आसपास उनका टच पॉइंट्स है अक्रॉस लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स, MBOs, EBOs, इनका सब चीज में है इनका। फिर उन आई थिंक ये लोग फ्रेंचाइज भी करवाते हैं, फ्रेंचाइज ओन, फ्रेंचाइज ऑपरेटेड, और इनका कुछ 1500-1600 के आसपास है। आई थिंक दे एडेड अराउंड 100 टच पॉइंट्स इन Q2। बट ओवरऑल आपका सेल्स का ग्रोथ का नंबर अगर सिंगल डिजिट में होता है, तो आई मीन यू वोंट, मतलब आपका स्टॉक कुछ ज्यादा पैसा नहीं बनाएगा फॉर द शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये हो गया नीलकमल। अब हम बात करते हैं पतंजलि फूड्स का, जिनका मेजोरिटी पार्ट ऑफ द सेल्स आता है एडिबल ऑयल से। ठीक है, आप सोचो एडिबल ऑयल का प्रॉब्लम क्या है। एडिबल ऑयल जो है वो पूरा एक कॉमोडिटी है। कल ऑयल का प्राइसेस घट जाता है तो इनको कम दाम में उसको बेचना पड़ता है, और ऑयल का प्राइसेस थोड़ा बढ़ता है तो ये लोग ज्यादा दाम में बेचते हैं। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि एडिबल ऑयल का, और एडिबल ऑयल एक पूरा ही एक कॉमोडिटाइज प्रोडक्ट है, तो बेसिकली पतंजलि का प्रॉब्लम ये हो गया दैट दे हैव लिटरली नो कंट्रोल ओवर इट्स, ओवर द नंबर दैट दे मेक इन सेल्स। ठीक है, कभी सेल्स गिरता है, कभी सेल्स बढ़ता है। आपने देखा होगा पतंजलि का जो नंबर्स आता है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, बिकॉज आज भी 70% के आसपास, 60-70% के आसपास उनका जो सेल्स आता है वो आता है ये आपका एडिबल ऑयल, मतलब ये मस्टर्ड ऑयल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट, सोया ऑयल एंड ऑल दैट। अब बात यहां पे है कि लाइक पतंजलि क्या कोशिश कर रहा था, वो यही कोशिश कर रहा था कि वो ये जो FMCG बिस्किट का जो सेगमेंट है, ठीक है, इस पे ज्यादा फोकस करे, बिकॉज ये स्ट्रक्चरल है ना। अब देखोगे इनका दूध करके एक ब्रांड है बिस्किट का, जो उसको स्केल अप कर रहा है, FMCG है, फिर उनका न्यूट्रा लाइट, फिर उसका वो जो न्यूट्रेला का जो सोया आता है ना, सोया प्रोटीन, ठीक है, मतलब वो एकदम चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन है, लेकिन चलो बोलना पड़ता है सोया प्रोटीन, ठीक है। तो अच्छा, तो फिर ये वाले पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो इज मोर स्ट्रक्चरल, प्लस इनका ब्रांड्स वगैरह भी है, ठीक है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या आ गया पतंजलि का, कि देखो इनका सेल्स ओवरऑल कुछ 4-5% से ही ग्रो किया, ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम जो मुझे इस बार का लगा वो यही है कि लाइक इनका जो फूड एंड FMCG का जो सेगमेंट था वो ग्रो नहीं किया। मतलब क्या, ऑयल पे तुम, मतलब वो जो तेल वाला जो सेगमेंट है, एडिबल ऑयल वाला सेगमेंट है, वो तो ऐसे ही वोलेटाइल है, लेकिन द नॉन ऑयल जो सेगमेंट है, ठीक है, जिसको तुम ग्रो करना चाहते हो टू ब्रिंग इन, यू नो, मतलब टू ब्रिंग इन स्ट्रक्चरल नेचर ऑफ सेल्स ग्रोथ, वो भी तो नहीं आएगा, बिकॉज तुम्हारा फूड एंड FMCG डिवीजन डिग्रू, राइट, एंड ऑफकोर्स उन्होंने यही बताया कि लाइक वो रेनफॉल, अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हुआ बहुत जगह में, फिर उन्होंने ये भी बताया कि लाइक यू नो ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड ऑल दैट, राइट, स्लगिश डिमांड एंड ऑल दैट। लेकिन द पॉइंट इज के लाइक मुझे तो हमेशा पतंजलि में यही मैं देख रहा था कि दैट द नॉन एडिबल ऑयल वाला सेगमेंट शुड कीप ऑन ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस, राइट। और यहां पे अगर प्रोडक्ट मिक्स चेंज नहीं होता है ना, आप देखोगे पतंजलि के स्टॉक में भी कुछ नहीं होगा, लेकिन इस बार दी अदर साइड डिडंट डू एनीथिंग। इवन इनका जो बिस्किट वाला सेगमेंट है, राइट, दैट ओनली ग्रू 3.5%, तो दैट वॉज ऑल्सो वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। सो ये हो गया पतंजलि का। अब एक अच्छे कंपनी का बात करते हैं, बेलाकासा फैशन करके, ठीक है। बेलाकासा फैशन क्या है, ये एक B2B अपैरल रिटेलर है, ठीक है। मतलब सोचो फॉर एग्जांपल जो ये B2C अपैरल रिटेलर्स है उनका कपड़ा बना के देता है, ठीक है। तो बेलाकासा फैशन के साथ आज ये जो बड़े बड़े जो अपैरल रिटेल जो कंपनीज है, जो आप देखते रहते हो, जो फॉर एग्जाम्पल आज इंडिया में टायर 2, 3, 4 सिटी में जो इतना एग्रेसिवली जो सब पुश कर रहा है, उसके पीछे मैन्युफैक्चरर एक कौन है, बेलाकासा, ठीक है। सो बेसिकली बेलाकासा का यही कहना है, और इवन अगर आप बड़े अपैरल रिटेलर का कॉन कॉल भी सुनोगे तो उनका यही कहना है ना कि आज इंडिया में टायर 2, 3, 4 सिटीज में, ठीक है, ये जो फास्ट फैशन है, ठीक है, इसका बहुत तगड़ा एक बूम आ रहा है, ठीक है। एंड क्या हो रहा है, लोग धीरे धीरे करके सब ऑर्गेनाइज स्पेस में आना चाहते हैं, वेदर वो ज्वेलरी हो या वेदर वो कपड़ा हो, राइट। मतलब वही वाला पॉइंट है कि अभी लोग बहुत फैशनेबल बन गया, स्टाइल स्टेटमेंट आने लग गया, इंस्टाग्राम के वजह से और भी इफेक्ट हुआ ना, बिकॉज अभी लोग पूरा दुनिया में देख रहा है। तो इंडिया में टायर 2, 3, 4 सिटी में देर इज इमेंस स्कोप, आई कैन टेल यू दिस। और ये जो रिटेल अपैरल कंपनीज है वो यही कोशिश कर रहे हैं कि टायर 2, 3, 4 सिटीज में ये लोग जाए। लेकिन सोचो लॉजिकली का क्या होता है ना, कंपनी के पास लेट से फॉर एग्जांपल आज उतना मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी ना हो,
टू से फॉर एग्जाम्पल टू केटर टू द डिमांड इन टायर टू टायर फोर सिटीज, तो वो लोग क्या करते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को कॉन्टैक्ट करता है जो कि है बेलाकासा टाइप का। तो बेसिकली बेलाकासा के पास खुद उनका डिजाइन टीम है, प्लस आज जो अपैरल रिटेल वाला कंपनी है उनके पास भी डिजाइन वाला कंपनी है, दोनों मिलकर बैठते हैं, बैठने के बाद डिजाइन करते हैं शर्ट्स वगैरह और फिर बेलाकासा को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है कि भाई उस दिन में मुझे इतने लाखों शर्ट्स बना के दो, और फिर वो लेके बेलाकासा उसको डिलीवर कर देता है एंड देन ऑफकोर्स वो अपने स्टोर में बेच देता है कस्टमर्स को। सो बेसिकली क्या है, बेसिकली यही है कि रिटेल अपैरल में, रिटेल वैल्यू रिटेल अपैरल में जितना ग्रोथ आएगा तो ऑफकोर्स पर्टिकुलर उस स्पेस में बेलाकासा को भी तो फायदा मिलेगा। ये स्काई गोल्ड की तरह है, मतलब स्काई गोल्ड जैसे B2B एक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। तो सोचिए ना, आज अगर स्काई गोल्ड, आज ही जैसे एक न्यूज आया कि आपका PN गडगिल और आई थिंक कैरेटलिन जो टाइटन का सब्सिडियरी है, तो ये दोनों ने भी इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया आपका स्काई गोल्ड को। अब बताओ क्यों? बिकॉज हमारे देश में ज्वेलरी में बहुत तगड़ा डिमांड है ना, लेकिन सब कंपनीज का अपना मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी पूरा नहीं भी हो सकता है, राइट। इसलिए क्या मतलब, इसीलिए तो यूनिडा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, जो B2B रहेगा, जो सिर्फ अपना माल मतलब आपका माल जो B2C है बना के आपको देगा। आपका काम क्या है, स्टोर्स खोलना, जैसे अपैरल में भी दुकानें हैं या फिर से फॉर एग्जांपल कोई ज्वेलरी का भी दुकानें हैं। तो यहां पे अगर आप जितना भी टायर 2, 3, 4, 5 सिटीज में आप स्केल अप कर रहे हो, राइट, आपका तो इन्वेंटरी चाहिए, राइट, और कितना आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिठाओगे, क्यों, क्या है उसमें आपका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लैंड का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा। इससे बेटर है ना कि आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को पकड़ो लाइक अ स्काई गोल्ड, लाइक अ बेलाकासा, और वो आपके लिए बनाता रहेगा। आपका है कि आप ब्रांडिंग पे फोकस करो, आप डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करो, मतलब यहां पे मैं B2C कंपनीज का बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बेलाकासा का बहुत अच्छा नंबर्स आ रहा है, बेलाकासा का इस बार तो Q2 में सेल्स ग्रू 68%, ठीक है, और पिछले 3 क्वार्टर से मैं एक चीज देख रहा हूं कि इनका YOY लेवल पे इन दोस क्वार्टर्स Q2 Q1 पिछले साल का Q4 भी 50% के ऊपर का सेल्स ग्रोथ है। सो बहुत अच्छा है, इनका वॉल्यूम्स डबल हो गया। वॉल्यूम्स मतलब यहाँ पे, मतलब पिछले साल अगर वो 100 शर्ट का टुकड़ा बनाए हैं, मतलब 100 शर्ट पीसेस, इस बार वो 200 शर्ट का पीसेस बनाए हैं। तो दैट ऑल्सो क्लियरली शोज, राइट, कि इट्स अ वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ हियर फॉर बेलाकासा। स्काई गोल्ड का भी कुछ ऐसा ही सीन है, राइट, बट उसके बारे में हम बात तब करेंगे जब स्काई गोल्ड का Q2 का नंबर आता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो बहुत अच्छी कंपनी है, आपको इसको सीरियसली देखना पड़ेगा, अनलाइक द लाइक्स ऑफ पतंजलि एंड नीलकमल जिसमें उतना ग्रोथ नहीं है। और पतंजलि में तो ये जो प्रॉब्लम के बारे में बात किया उसी को आपको ट्रैक करनी है आगे जाके, के लाइक देखना है कि फूड एंड FMCG वाला सेगमेंट क्या करेगा, ठीक है, बिकॉज एडिबल ऑयल के भरोसे में तो मैं पैसा नहीं डालने वाला। ओके, सो ये हो गया। अब बात करते हैं इंडिगो की, इंटरग्लोब एविएशन। इसका नंबर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग आया है, बिकॉज इनका बहुत सारे प्लेन्स क्या हुआ ना, प्लेन्स यहां पे ग्राउंडेड हो गया, ठीक है। प्लेन्स ग्राउंडेड मतलब है बहुत सारे रीजन के वजह से वो प्लेन उड़ नहीं पाया, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जितना प्लेन्स ग्राउंडेड होगा उतना इनका रेवेन्यू लॉस होगा, और वही हुआ इनका। इनका सेल्स ग्रोथ इस बार सिर्फ 14% था। आपने पिछले बहुत सारे क्वार्टर्स में आपने देखा होगा, पिछले 6, 7, 8, 9 क्वार्टर्स में ऑन अ YOY लेवल पे सेल्स ग्रोथ वॉज नॉर्थ ऑफ 20%, लेकिन अभी 14% का हो गया। एंड सिंस यहाँ पे प्रेशर पड़ गया, मतलब ग्राउंडिंग हो गया कुछ प्लेन्स का, और यहाँ पे आपका तेल का भाड़ा भी थोड़ा बहुत बढ़ गया, राइट, तो इससे क्या हुआ, इंडिगो ने लॉस दिखा दिया। इतने दिनों से इंडिगो हमेशा प्रॉफिट दिखा रहा था, आई थिंक फॉर द लास्ट 7-8 क्वार्टर्स वो पूरा पैट दिखा रहा था, लेकिन बहुत दिनों के बाद मुझे इंडिगो में अभी लॉस दिखने को मिला, विच इज नॉट अ गुड साइन, है ना। और यहाँ पे सेल्स ग्रोथ भी, यहाँ पे आपका 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 सेल्स ग्रोथ का पेस भी आपका घट गया टू नाउ अराउंड 14% के आसपास। अब क्या है, अब देखना पड़ेगा इनका जो लोड फैक्टर है वो एकदम वो पैरामीटर है कि लाइक प्लेन कितना भर रहा है ऑन एन एवरेज लेवल। तो लोड फैक्टर भी कंसिस्टेंट है अराउंड 82% के आसपास। तो इंडिगो में ऐसा नहीं कि बड़ा प्रॉब्लम आया है, इट्स जस्ट दैट के लाइक इसका ग्रोथ रेट स्टॉल हो गया। एंड ऑफ कोर्स कोई भी कंपनी अगर प्रॉफिट से लॉस में जाता है तो मतलब वही ना, शेयर होल्डर को थोड़ा धक्का लेना पड़ता है। सो ये हो गया बात। इनका 400 के ऊपर, आई थिंक 410 के ऊपर फ्लाइट्स है मोस्टली जो लीज में लेते हैं, ये वही बोइंग और एयरबस और वट एवर इट इज, तो वही तो दो कंपनी है दुनिया में। सो ये हो गया इंटरग्लोब एविएशन। अभी छोटे ज्वेलरी कंपनी का बात करते हैं, उसका नाम है DP आभूषण, ठीक है। सो बेसिकली DP आभूषण क्या है, DP आभूषण का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, ठीक है। ज्वेलरी स्पेस में तो वैसे ही आपको समझ में आ रहा है कि इतना सारा आपका टेलविंड है। सेनको 37% से ग्रो किया, कल्याण आई थिंक सॉरी सेनको 28% से ग्रो किया, कल्याण 37% से ग्रो किया, टाइटन 26
75% से ग्रो किया. सो यू नो कि लाइक यहाँ पे स्कोप तो बहुत है. अब ये जो कंपनी है डीपी आभूषण, इसने ग्रो किया 100% से बोथ ऑन क्यूओक्यू एंड वाईओवाई में Q2 में. अब आप बोलोगे 100% क्यों, बिकॉज इनका बेस और भी छोटा है. ठीक है, इनका आई गेस अभी कुछ अराउंड 9 स्टोर्स है, 9 दुकानें हैं. तो ऑफकोर्स राइट, मतलब जब जितना आपका छोटा बेस है उस छोटे बेस में हायर पेस में ग्रो करने में आपको आसानी होता है. और देखिए मार्केट को चाहिए ग्रोथ, मार्केट डजंट केयर कि आपका बेस कितना है, वो आपके दिमाग में आप लो ग्रोथ को जस्टिफाई करते हो. लेकिन ये जो डीपी आभूषण है इसका कितना बोला मैंने, 9 दुकानें हैं. रिसेंटली इन्होंने अपने आई थिंक राजस्थान में कहीं पे अपना 9th दुकान खोला, कुछ 6000 स्क्वायर फीट देके उन्होंने एक दुकान खोला. हाँ अजमेर में खोला, अजमेर इन राजस्थान. ठीक है, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है, मैनेजमेंट का है कि लाइक अभी अगले कुछ महीनों में हमारे 2 और दुकानें जिसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है तो वो 9 से 11 हो जाएगा. राइट, और मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि अगले फिस्कल के एंड तक हम लोग एटलीस्ट 3 से 4 दुकान और खोल लेंगे. ठीक है, मतलब क्या FY 2026 के बाद आप मोटा मोटी देख सकते हो कि कुछ 13-15 स्टोर्स के आसपास हो जाएगा. और मैनेजमेंट का एक और गाइडेंस है थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म का कि FY 2028 तक हमारा 20 स्टोर्स होगा. ठीक है, तो प्रेटी कंजर्वेटिव है. ठीक है, इंडिया में मतलब, और ये लोग भी क्या कर रहे हैं, ये लोग आई गेस वहां पे राजस्थान और यूपी और फिर आई थिंक MP फिर आपका महाराष्ट्र, ये वाले बेल्ट को वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं. ठीक है, सो डीपी आभूषण का तो 100% का ग्रोथ है, तो मुझे लगा कि लाइक इस पे तो वीडियो में मतलब पक्का बोलना ही पड़ेगा. नाउ हियर इज द थिंग राइट, कि लाइक अभी कोई भी कंपनी हो राइट, ये डीपी आभूषण हो या कल्याण हो, कुछ भी हो, हमें देखना है कि सेल्स का ग्रोथ का रेट आगे जाके क्या होगा. करेक्ट, फॉर दीज कंपनीज एंड इनका पीयर ग्रुप में क्या चल रहा है. तो अगर आप ऐसे देखोगे ज्वेलरी स्पेस में, ये आप देखोगे पिछले वीडियो में जैसे मैंने हाउसिंग फाइनेंस का बात किया था, है ना, कि सारे कंपनीज अच्छे कर रहे हैं, मतलब पूरा सेक्टर टेलविंड है. राइट, तो ज्वेलरी में भी वही है, डीपी आभूषण 100% से ग्रो कर रहा है, कल्याण 37 और 27-28% से सेंको और टाइटन. फिर उसके बाद आप देखोगे जो महाराष्ट्र का जो लाडला है, मतलब महाराष्ट्र का जो फेवरेट जो ज्वेलर है, जो PN गडगिल, उसका Q2 आएगा. एंड पता नहीं, शायद वो PN गडगिल कल्याण से भी ज्यादा रेट से ग्रो करे. PN गडगिल का 40 के आसपास का दुकान है. तो ये आभूषण डीपी आभूषण या हाँ आभूषण सॉरी सो डीपी आभूषण ये कंपनी एक्चुअली मैंने रिसेंटली ट्रैक किया फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए नाम थोड़ा गलती हो रहा है. बट एनी विच वे, तो उनका जैसे 10-11 स्टोर है डीपी आभूषण का, लेकिन PN गडगिल का कुछ 40 के आसपास दुकान है. तो वो लोग प्लान यही कर रहे हैं कि अगले 1-2 साल वो सिर्फ महाराष्ट्र में ही अपना पेनिट्रेशन को बढ़ाएगा. राइट, सो बेसिकली क्या है, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कंपनी टू ग्रो प्रॉब्ली अराउंड 40%. मतलब कल्याण को तो बीट करनी चाहिए राइट, बिकॉज कल्याण का 300 दुकान है, 300 स्टोर्स कल्याण का है, एंड दे आर ग्रोइंग एट 37% बिकॉज उन्होंने वो फ्रेंचाइज करवा दिया राइट, और अपने वॉल्यूम ग्रोथ को एकदम ला दिया राइट. और उसके साथ ऑफकोर्स ग्रोथ का एक और रीजन ये भी तो है कि गोल्ड प्राइसेस आर गोइंग अप राइट, दैट इज ऑल्सो अ थिंग. बट हैविंग सेड दैट, गोल्ड प्राइसेस अगर बढ़े या ना बढ़े, आप देखोगे लोग ज्यादा देर तक गोल्ड परचेस को पोस्टपोन भी नहीं करता है. ठीक है, बट माई मेन मुद्दा यही है कि अगर 300 स्टोर लेके कल्याण कैन ग्रो एट 37%, तो ये डीपी आभूषण जो 100% किया, एंड इसके बाद जब आएगा PN गडगिल का ऑल्सो आई एम एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 50% के आसपास का ग्रोथ. मतलब कल्याण से तो तुमको ज्यादा ही करनी है राइट, बिकॉज यू हैव लाइक 1/10 ऑफ द स्टोर्स दैट कल्याण हैज राइट. तो ग्रोथ रेट तो मुझे ज्यादा चाहिए, वरना वाई वुड आई इन्वेस्ट इन यू. गॉट इट, जैसे मैंने वो पॉलीकैब वाला एग्जाम्पल में पिछले वीडियो में बताया दैट इफ देर इज अ केबल कंपनी जो बहुत छोटू है बट दे आर स्टिल ग्रोइंग एट अ स्लोअर पेस देन पॉलीकैब, तो मैं पॉलीकैब ना ले लूं. मतलब दैट्स जस्ट बेसिक सेंस राइट. तो पॉइंट है कि लाइक अब देखते हैं PN गडगिल का क्या नंबर आएगा. RBC का ज्वेलर्स भी एक है, थंगामाइल ज्वेलरी है, उनका भी रिजल्ट देखना पड़ेगा, और फिर अब देखेंगे कि रेस में कौन कहां पे है. तो इस तरीके से विल मूव फॉरवर्ड. ठीक है, सो ये हो गया, ये वाले वीडियो में इतना कंपनीज ही रखते हैं. ठीक है, आई थिंक आई हैव टू मेक वन मोर वीडियो जिसपे और सारे कंपनीज का अपडेट्स देना है.